स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई मूवी चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न के बारे में। चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न मूवी की बात करें, एक फिल्म सीरीज है जिसके काफी सारे आपको पार्ट देखने के लिए मिलेंगे और इस मूवी की सीरीज को 90s में रिलीज करना स्टार्ट कर दिया गया था। और आज हम जिस पार्ट के बारे में बात करेंगे उस पार्ट को 2020 में रिलीज किया गया है। और ये मूवी आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी, इंग्लिश में अवेलेबल है। इस मूवी में आपको भर भर के हॉरर, सस्पेंस और स्क्रीमिंग देखने के लिए मिलेगी। एवरीथिंग परफेक्ट है, लेकिन IMDb कम मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है, जब हमें यहाँ पर कॉर्न्स का एक बहुत बड़ा खेत देखने के लिए मिलता है और तभी जहाँ पर हमें राइलस्टोन चिल्ड्रंस होम देखने के लिए मिलता है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। और हमें यहाँ पर एक और लड़की देखने के लिए मिलती है जो अचानक से बहुत अच्छा बिहेव कर रही होती है, लेकिन जैसे ही कॉर्न से कोई बाहर आता है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फेस बना लेती है, जैसे वो किसी पावर से पोजेस्ड हो। और उसका नाम होता है ईड। और जो कॉर्न से बच्चा बाहर आता है उस बच्चे का नाम होता है कैम। अब यहाँ पर कैम उसे आकर ये बोलता है कि कॉर्न के अंदर जो भी है वो एक्चुअल में नहीं मरता। अब वो यहाँ पर अंदर जाता है हाउस के और सबको वन बाय वन मार देता है और इतनी बुरी तरह से मारता है कि सारे शॉक हो जाते हैं। और तभी हमें यहाँ पर शेरफ गैबलर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर शेरफ गैबलर उस बच्ची को उठा के वहाँ से लेके जाता है और जहाँ पर उस बच्ची के साथ पेस्टर पैनी बात करनी शुरू करता है और ये पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। अब छोटी बच्ची एडन रेड क्वीन से काफी ज्यादा प्रभावित होती है और जहाँ पर उसकी पजल सॉल्व कर रही होती है। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल मूवी स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है और हमें यहाँ पर राइलस्टोन पर बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है कि हैप्पीएस्ट कॉर्न, जहाँ पर हमें कॉर्न का बहुत ही लंबा चौड़ा खेत देखने के लिए मिलता है जो कि मीलों तक फैला हुआ होता है। तभी हमें यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम ब्लोइन होता है, जो कि अपने ब्रदर कैलिस के साथ बात कर रही होती है, जिसको हम विलियम्स कह के आगे चलेंगे उसके सरनेम के साथ। अब वो यहाँ पर विलियम को जो बोलती है कि वो नेक्स्ट वीक इस जगह को छोड़ के आगे जाने वाली है ताकि वो अपनी स्टडी को इस बेकार से जगह को छोड़कर आगे कर सके। अब हमें यहाँ पर वही लड़की देखने के लिए मिलती है ईडन, जो कि एक तरह से रेड क्वीन को पूरी तरह से अपने अंदर समा चुकी होती है। उसको एक तरह से फैंसी के वर्ल्ड में जीने की आदत होती है। अब वो फैंसी के वर्ल्ड में तो जी रही होती है और उसने अपने एक फ्रेंड को बहुत ही ऊपर क्रेन के ऊपर चढ़ा रखा होता है और सारे फ्रेंड्स एक तरह से उसे ये बोलते हैं कि वहाँ से कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ। और ये हमें देखने के बाद तभी हमें वहाँ पर एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है और उस लड़के का नाम होता है कैल्डर। अब यहाँ पर कैल्डर भी ये देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और उसने अपनी ग्रैंडमा की कार को उस कॉर्न फील्ड के अंदर पार्क किया होता है। यहाँ पर कैलर और बॉयलन वहाँ से जाते हैं और जहाँ पर बॉयलन ये बोलती है कि वो नेक्स्ट वीक यहाँ से चली जाएगी। और तभी हमें यहाँ पर कॉर्न में से कोई आता हुआ दिखाई देता है जिसका हमें फेस नहीं दिखता। अब यहाँ पर हम बॉयलन और विलियम्स फिर से साथ में देखने के लिए मिलते हैं जो कि दोनों भाई बहन होते हैं। और जहाँ पर हमें उसके फादर देखने के लिए मिलते हैं जो कि राइलस्टोन के एक तरह से मेयर भी कह सकते हो। अब यहाँ पर वो अपनी जमीन को बेचने की बात करते हैं क्योंकि राइलस्टोन में कॉर्न्स की खेती बिल्कुल भी नहीं हो रही। और जहाँ पर डीप डाउन बॉयलन के फादर रॉबर्ट विलियम्स को पता होता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है क्योंकि वो कॉर्न एक तरह से होता है। अब यहाँ पर सारे इसके लिए हाँ कर देते हैं, जितने भी सीनियर्स होते हैं वहां पर, क्योंकि उसके बदले भी सरकार उनको काफी ज्यादा सब्सिडी और पैसा देने वाली होती है। और तभी हमें यहाँ पर बाकी बच्चे आते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर ईडन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आती है और जहाँ पर ये बोलती है कि हम इसके लिए वोट नहीं करेंगे क्योंकि हम भी वोट देंगे। और जहाँ पर एक पर्सन उठ के बहुत ही ज़्यादा उनका मजाक उड़ा देता है और ये बोलता है कि तुम लोग इसके लिए भी बहुत छोटे हो, तुम तो लोग अभी 15 साल से भी ऊपर नहीं गए। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ईडन को एक तरह से एक बहुत ही बुरी स्पिरिट ने पजेस करा हुआ है और उसके फ्रेंड्स को भी बहुत बुरी तरह से पजेस कर रखा है। सीन जहाँ पर शिफ्ट होता है और जहाँ पर ईडन अपने फ्रेंड्स के साथ में देखने के लिए मिलती है, वो दूसरी ओर जहाँ पर बॉयलन अपने फादर के साथ देखने के लिए मिलती है और ये बोलते हैं कि सबको सॉर्ट आउट हो सकता है। और रात के अंधेरे में यहाँ पर विलियम एक सड़क पर चला जा रहा होता है और पीछे से ईडन आती है और ये बोलते हैं कि हम ये सब ठीक कर सकते हैं। और जहाँ पर जैसे ही विलियम उस कॉर्न के खेत में जाता है वहाँ पर हमें काफी सारे बच्चे देखने के लिए मिलते हैं जो कि ईवर पावर को अपनी ओर बुला रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं क्या वो हमें चाहती है या नहीं चाहती। और जहाँ पर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग पर जाता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर बॉयलन हमें कैल्डर के साथ बात करती हुई देती है और जहाँ ये बताती है कि उसने एक रिपोर्टर को हायर करा है, जहाँ पर जय सुनकर उसके लिए सब हांग में भर देते हैं ताकि वो अपने राइलस्टोन को बचा सके। जैसे वो जय बचाने के लिए ईडन को जाती है और वहाँ पर हमें काफी सारे बच्चे देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक जानवर को मारकर उसके खून से खड्डे के अंदर कलर कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पर पूरा खून से लाल रंग हो जाए। अब यहाँ पर ये देख के बॉयलन काफ़ी शौक हो जाती है और यहाँ पर वो घर पे वापस आती है, अपने फादर की ओर देखती है और यहाँ पर अपने फादर को ये बोलती है कि आज रात को हमारा ट्रायल है, हमें वहाँ पर जाना है ताकि हम सब कुछ सेफ और साउंड कर सकें। अब यहाँ पर ईडन को भी वहाँ पर आने के लिए बोला होता है अपने फ्रेंड्स के साथ और उस रिपोर्टर को पिक करने के लिए बोला होता है ताकि वहाँ पर ट्रायल कंटिन्यू हो सके। अब यहाँ पर उसके फादर और बाकी सब आते हैं और यहाँ पर ईडन से ये पूछते हैं कि ट्रायल शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर ईडन जो बोलते हैं कि उसने ट्रायल खुद ही कर दिया है, तुम्हें उसको ट्रायल में नहीं बुलाना चाहिए था। और यहाँ से होती है एक्चुअल चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न की हॉरर से भरी हुई कहानी शुरू।
अब जहाँ से ही बो और उसके फ्रेंड्स आगे जाते हैं और हमें जहाँ पर कैल्डर के फादर देखने के लिए मिलते हैं, जिसको उसने रस्सी के साथ फांसी के सहारे लटका रखा होता है। और जैसे ही वो वहाँ से उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो अपने घोड़े को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो पूरी रेड क्वीन की तरह बिहेव करती है, एक हॉर्स पे घूमती है, और जहाँ पर उसके फ्रेंड्स होते हैं जो ईवल पावर से पोजेस होते हैं। जो भी उस कोन के अंदर जाता है, जो उस स्पिरिचुअल को रिचुअल की ओर देखता है, वो उस पावर से पोजेस हो जाता है। और जहाँ पर बो का ब्रदर विलियम भी इस पावर से पोजेस्ड हो चुका होता है, जहाँ पर ईडन और उसके फ्रेंड्स सारे सीनियर्स को, अडल्ट को एक प्रिजन के अंदर बंद कर देते हैं। और जहाँ पर ईडन काफ़ी ज़्यादा ईवल थिंग्स करना शुरू करती है और खुद ही ट्रायल करना शुरू कर देती है। अब वो अपने फेस पर मास्क लगाती है और एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ती है कि सारे के सारे वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही सारे उठते हैं, वो अपने आप को एक खड्डे में पाते हैं और जहाँ पर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और ईडन और उसके फ्रेंड एक क्रेन मशीन के सहारे सारी की सारी मिट्टी उसके अंदर ठोक देते हैं और वहीं पर सारे के लोग मर जाते हैं। और जहाँ पर हमें बो की मदर का हैंड देखने के लिए मिलता है, जिसमें ब्रेसलेट पहना हुआ होता है, और जहाँ पर ईडन और उसके फ्रेंड्स काफ़ी रोते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर पेस्टर पैनी ईडन को काफ़ी कुछ बोलता है और ये बोलता है कि वो उसी के साइड है। अब यहाँ पर पेस्टर पैनी को वो बाहर बुलाती है और यहाँ पर उसकी आंखें बहुत बुरी तरह से नोच डालती है और उसकी आंखों को हाथ में लेके वहाँ से चली जाती है। ये देख के सारे उसको विच बोलते हैं और यहाँ पर वो अपने फादर को जंगल में भेज देती है उसके दो फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पर ईडन अपने फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि वो अपने राइल स्टोन को बचाएगी और राइल स्टोन को बचाएगी और उन सबको मार डालेगी जो कौन की खेती को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जो देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो को वहाँ पर एक लेडी देखने के लिए मिलती है, जिसको वो आंखों आंखों में इशारा कर देती है कि वो उसको बचाएगी। लेकिन वो बचा पाएगी कि नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो और एडन उसके फ्रेंड्स एक बुट कैबिन में देखने के लिए मिलते हैं और जहाँ पर वो के फ्रेंड्स को बहुत बुरी तरह मार दिया होता है और उस लेडी को वो एक तरह से टांग देते हैं। और यहाँ पर एडन दरवाजे को खोलकर वहाँ से किसी को आवाज़ लगाना शुरू करती है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता। अब यहाँ पर वो थोड़ा दिमाग लगाती है और जहाँ पर एडन के गर्दन पर चाकू रख देती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी हमें यहाँ पर एक ईवल पावर से आती हुई दिखाई देती है, जिसके हाथ पूरी तरह से पेड़ से बने हुए, लकड़ियों से बने हुए थे, जिसका हमें फेस दिखाई नहीं देता। और वो उस लेडी को पीछे से खींचता है और बंधे होने के कारण वो लेडी के हाथ वहीं रह जाते हैं और उसका बाकी शरीर टूटकर उसके साथ चला जाता है। अब जहाँ पर वो जे देख के काफी शॉक हो जाती है और यहाँ पर थोड़े बच्चे भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन ईडन तो पूरी ईवल पावर से पजेस होती है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हमें ईडन वो को नीचे बांधती हुई दिखाई देती है और जे बोलती है कि अब वो उसे जला देगी जब उसके ऊपर वो फ्यूल को गिराती है। लेकिन वो यहाँ पर जे बोलती है कि राइलस्टोन में कुछ ऐसी मिट्टी है, अगर तुम यहाँ पर आग लगाओगे तो पूरे का पूरा राइलस्टोन, तुम्हारा फोन, सब कुछ जल जाएगा। और यहाँ पर ईडन जे सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और जे बोलती है कि अपने फ्रेंड्स को कि इसको पूरी तरह से काट डालो। अब यहाँ पर ईडन किसी तरह से करके वहाँ से बच के बाहर निकलती है और हमें यहाँ पर उसके फ्रेंड की ग्रैंडमा की कार देखने के लिए मिलती है, जो कि कैल्डर ने उस कोन के खेत के सेंटर में पार्क करी होती है। लेकिन कैल्डर की कार में इतना फ्यूल नहीं होता और क्योंकि उसका फ्यूल वाली पाइप टूट चुकी होती है। अब यहाँ पर किस तरह से कार को स्टार्ट करके वहाँ से वो भागती है और उसके पीछे ईडन भी आती हुई दिखाई देती है। वो की कार का तेल खत्म हो जाता है और यहाँ पर पौन के किनारे पर जाकर वो रुक जाती है। अब वो अपनी जान की परवाह किए बिना ईडन के सामने ही आग लगा देती है और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि पूरे कौन के खेत में कार के चलने की वजह से, तेल गिरने की वजह से पूरे कौन को आग लग गई है। और तभी हमें यहाँ पर ईडन भी काफ़ी दुखी होती हुई दिखाई देती है। जितने भी ईवल पोजेस से पावर बच्चे होते हैं वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं और जहाँ पर ईडन ये बोलती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। और यहाँ पर वो एक को आवाज़ लगाती है और जहाँ पर कौन में से एक ईवल पावर आती हुई दिखाई देती है, जो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जो कि पूरी तरह से लकड़ियों से बना हुआ होता है। और जहाँ पर वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसके सारे सीनियर्स और उसकी माँ और फादर को दबाया गया था। और तभी हमें यहाँ पर ईडन देखने के लिए मिलती है, जो कि पूरी तरह से जल चुकी होती है और हमें जहाँ पर उसका जला हुआ फेस देखने के लिए मिलता है। और वो आके बो को हग करती है और ये बोलती है कि कौन के अंदर कोई भी नहीं होता, और उस तरह से हमें चिल्ड्रन ऑफ द कौन का एंड होते हुए दिखाई देता है। मेरे ओपिनियन से चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न एक काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसमें आपको हॉरर, सुपरनैचुरल और थ्रिल, मिस्ट्री, सस्पेंस, स्लैशर, सब कुछ का टच भर भर के देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी। मूवी में आपको बाकी सब चीज़ें परफेक्ट देखने के लिए मिलेंगी, विजुअल्स परफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इस मूवी को जाकर इन्जॉय कर सकते हो चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न को। स्पेशली उस छोटी लड़की ने जो एक्टिंग करी है, कैटी मोर ने, वो एक अनदर लेवल की। एक छोटी एज में इतनी खतरनाक वे से एक्टिंग करना और करेक्टर को इस तरह से स्क्रीन पर उतारना है बहुत ही मुश्किल होता है। और करेक्टर को उतारा ही नहीं है, इस तरह से दिखाया है बना के कि आपको उस करेक्टर से बहुत आगे तक जाके नफरत होना स्टार्ट हो जाएगा कि कुछ तो इस करेक्टर के साथ बुरा हो, क्योंकि उसने पूरे के पूरे टाउन को जलाकर, मारकर, दबाकर किसी भी तरह से मार डाला होता है। तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।